हेलो बीजी मैं प्लस, कैसे हैं आप लोग? वापस हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम रियलमी नार्जो 70 टर्बो के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग तो आप लोगों को पता ही है, 90 FPS देखने को मिल जाती है, लेकिन 90 FPS कॉन्स्टेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आज हमने इसके अंदर कूलिंग फ़ैन लगा दिया है, जिससे कि फ़ोन ठंडा रहा। तो देखते हैं भाई, 90 FPS जो हमें देखने को मिलने वाले हैं वो प्रॉपर 90 FPS या 80 FPS के आसपास देखने को मिलते कि नहीं देखने को मिलते। और ये वही कूलिंग फ़ैन है जो कि हमें इन्फिनिक्स GT20 Pro के साथ हमें देखने को मिला था। तो हम इसके ऊपर कवर लगा लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता जब तक कवर नहीं चढ़ा होता। तो हमने रियलमी नार्जो 70 टर्बो के ऊपर वही कवर लगा दिया है जो इन्फिनिक्स GT20 Pro के साथ मिला था। और उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा दिया है पंखा, कूलिंग फ़ैन लगा दिया। अब देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। अगर फ़ोन ठंडा रहेगा तो बढ़िया परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को मिलेगी हमें। तो चलो फटाफट अरिना ट्रेनिंग शुरू कर लेते हैं, और अरिना ट्रेनिंग के बाद क्लासिक मैच भी खेलेगा, और उसके बाद मैं अपने आपको रिव्यू भी बताऊंगा। ऊपर FPS मीटर भी देखने को मिल रहे हैं कि FPS कैसे आ रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है इस कूलिंग फ़ैन को लगाने के बाद। तो दोस्तों आप अरिना ट्रेनिंग देखिए, जायरोस्कोप में कोई भी डिले हमें देखने को नहीं मिलता, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो आप अरिना ट्रेनिंग देखिए, उसके बाद बात करते हैं क्लासिक मैच के अंदर।
हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमने अरिना ड्रिंग कंप्लीट कर लिया। हमें 85 से लेकर 90 एफएस के बीच में एफएस देखने को मिले। रेयरली आपको 85 से नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा, वरना मैक्सिमम टाइम पे आपको 85 से लेकर 90 एफएस देखने को मिले। अब चलते क्लासिक मैच के अंदर, क्लासिक मैच के अंदर देखते हैं भाई कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है 90 एफएस की, क्योंकि नॉर्मली 90 एफएस की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है। ये अराउंड 60 एफएस के आसपास बड़े आराम से ले जाता है। 55 एफएस भी हमें जाते हुए देखने को मिले हैं जब हम हॉट ड्रॉप पे जंप करते हैं, और जब वैसे नॉर्मली अगर 20-15 बंदे आसपास हैं तो आपको एफएस 60 और 70 के आसपास ही देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। लेकिन अभी लगा रखा हमने कूलिंग फैन लगाने के बाद देखते हैं 90 एफएस की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। क्या आपको 80 एफएस के आसपास बार बार देखने को मिलेंगे, या दोबारा वही आपको 60 एफएस 55 एफएस के आसपास जाते हुए देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों फटाफट जंप करते हैं। अराउंड यहां पे 35 से लेके 40 बंदे यहां पे जंप करने वाले हैं, तो बहुत तगड़ा हॉट ड्रॉप होने वाला। तो देखते हैं भाई कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है फोन की। मार्क्ड लोकेशन। Marked a location. Please recall me. Help. Awesome. Please recall me. तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक अरिना ड्रिंग में फिनिश कर लिया प्रॉपर। हमने पूरा एक गेम प्ले खेला जिससे कि हमें परफॉर्मेंस का पता लग सके कूलिंग फैन लगाने के बाद। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले जब खेलता था ना हॉट ड्रॉप पे, आपको पता ही है 40 बंदे के आसपास यहाँ पे जम करे थे। कोई भी फ़ोन होगा 30,000 का, 40,000 का, जितने हज़ार का भी फ़ोन होगा ना, उसके अंदर फ्रेम ड्रॉप गिरने कंफर्म है, क्योंकि इतने बंदे आएंगे एक जगह पे। तो अगर 60 एफएस का फ़ोन है तो भाई 50 एफएस बड़े आराम से जाता, अगर 90 एफएस का फ़ोन है तो 70 एफएस 60 एफएस बड़े आराम से जाता। तो ये कह सकते हैं कि भाई फ़ोन में सही में अच्छे से इंप्रूवमेंट दिखाई है, मुझे पहले से थोड़ा सा बढ़िया लगा।
काफ़ी बढ़िया FPS देखने को मिले। ये नहीं कि मुझे अराउंड भाई 45-40 FPS आते हुए देखने को मिले, ऐसा नहीं मिला। इस 15,000 के फ़ोन में हमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। इतने ज़्यादा बंदों ने जंप भी करा तब भी FPS बंदे ने इस फ़ोन ने कंट्रोल में करे काफ़ी ज़्यादा, और ज़्यादा फिफ्ट हमें देखने को नहीं मिला। और नॉर्मली जब थोड़े से बंदे कम हो गए थे तब 70-80 FPS के आसपास भी बड़े आराम से फ़ोन ने निकाल के दिया। तो जिस प्राइस में फ़ोन आते उस प्राइस में भाई इस कूलिंग फैन को भी लगाने के बाद काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही। विदाउट कूलिंग फैन ये कह सकते हैं अब ज़्यादा फिफ्ट होता है क्योंकि फ़ोन हीट करने जाता है, लेकिन विद कूलिंग के साथ काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।